अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको ब्रेड कटलेट्स बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है और क्रिस्पी भी बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये ब्रेड के किनारे उतार लेंगे। इसके बाद इस तरह हम इनके चार चार पीस कर लेंगे दोनों तरफ से। इस तरह से काट लें टुकड़ी की शक्ल में। तो ये हाफ के जी मैंने आलू लिए हैं, इनको हम मैश कर लेंगे। अब हम इसमें इंग्रेडिएंट जो ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर एंड क्वार्टर टेबल स्पून हल्दी, टेबल स्पून चॉप सब्ज मिर्च, हाफ टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून ये गरम मसाला, ये हाफ टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर और हल्दी, मैं भूल गई डालना बता के उधर रख दी, हाफ टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून टमाटो चॉप किया हुआ एंड 2 टेबल स्पून सब्ज धनिया, ये 1 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून बेसन, इन दोनों को मैंने फ्राई कर लिया है। तो ये फ्राई करने के बाद ऐड करेंगे। तो इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस एंड 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस, 1 अदद अंडा ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स मैंने कर लिया है। अब ये इस तरह से ब्रेड के ऊपर ये देखें चारों तरफ लगा दें इसको। अब हम इनको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह, अब हम इनको इस तरह से फ्राई कर लेंगे। इनको लगाना कुछ नहीं है। 1 मिनट के बाद हम इनकी साइड कलर देंगे गोल्डन ब्राउन कलर होने पर। दूसरी साइड से भी 1 मिनट फ्राई होने पर हम इनको निकाल लेंगे। तो इनको हम अफ्तार पार्टी के लिए भी बना सकते हैं, मेहमानों को पेश कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सके।